समृद्ध संस्कृति और ऐतिह्य परिपूर्ण पूर्व भारतर एक सुंदर राज्य ओडिशा। यार सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हेब आहुरी त्वरान्वित। वैष्णव संप्रदायर स्वर्णिम समय निर्मित मयूरभंज रसिकराय मंदिर तथा पुरातन हरिपुर दुर्गर प्रत्नतात्विक खनन में मिलता ढांचार नवीकरण और मरामती कार्यर हेब शुभारंभ। तीन कोटी जातीय राजमार्ग हेब शिलान्यास जहां विकास को देव गति। यहसह बालेश्वर हलदिया दुर्गापुर पाइपलाइन द्वारा त्वरित हेब राज्य को पेट्रोलियम जोगाण। चिलिकतारा सगड़पटा और नरणपुर बसंतपुर रेलपथर दोहरीकरण और टाटानगर बादाम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन चलाचल हेब आरंभ जहां जोगाजोग को करिब सहज। यहसह बालेश्वर मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क रप्तानी और आमदानी को सुविधा करिब। छटी स्थान में डाकघरे पासपोर्ट सेवार हेब शुभारंभ। राज्यर प्रगतिर एक उपहार को राष्ट्र उद्देश्य समर्पित करिबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनवरी 5 तारीख में। आसंतु स्वागत करिबा पूर्वोदय नुआ भारतर उदय को। नूतन वर्षरे ओडिशा को 4500 कोटी टंका प्रकल्पर उपहार देछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पूर्वोदयरु हला सूर्योदय, एहा कोने हमर स्वतंत्र उपस्थापना सहित मु सस्मिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोकस रे ओडिशा, खास पूर्व भारतर विकास चाहन्तुवा प्रधानमंत्री ही ओडिशा को अपनार करछन्ति। आउ सेथिपाई ओडिशा को बारंबार आसी ढाली देउछन्ति विकासर वर्षा। बारिपदार हाईस्कल पड़िया आयोजित स्वतंत्र सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्राय 4500 कोटी टंका ऊर्ध प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करछन्ति। प्रकल्प गुड़िक मध्यरे मोदी 3318 कोटी टंका व्यय अटकल 200 किलोमीटर लंब तीनोटी जातीय राजपथ प्रकल्प पई भूमि पूजन करछन्ति। एहि अवसर रे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछन्ति जे विकास ही आमर मूल लक्ष्य। 2019 वर्ष ओडिशा और देशर विकास को उच्च स्तर को नै जाउ। ओडिशार उन्नति पई 4500 कोटी टंका प्रकल्प आरंभ होईछि। ओडिशार प्रिय भाई व भावणी मान को मोर नमस्कार सानाम कगे जोहार साबिन कोगे जोहार। 2 हफ्ते में दूसरी बार आप सभी के बीच आने का मुझे अवसर मिला है। पिछली बार खोरदा आया था तो आप लोगों ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आज यहां बारीपदा में आपने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ओडिशा का लोगों के इस अपार स्नेह, इस आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूं। आपके इस उत्साह, आपके इस विश्वास से नए भारत, नए ओडिशा के निर्माण की ललक भी दिखती है। विगत 4.5 वर्ष रे सरकार देशर जनता को संगठनात्मक विकास उपरे कार्य करूछि। एही समय मध्ये देशर विकास रो नुआ धारा जारी रहिछि बोली पीएम मोदी प्रकल्पर लोकार्पण अवसर रे कहिछन्ति। एही अवसर रे राज्यपाल गणेशीलाल, केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, जनजाति व्यापार मंत्री जोएल ओराम, राज्य खनि मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक, मयूरभंज सांसद रामचंद्र समेत अनेक मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। या सहित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछन्ति कि संपद को सदुपयोग करि देशर नवनिर्माण पई जोर दिया जाउछि। एही सब विकासर फल सामान्य स्तरर लोकक विकास उपरे पडिथाय। गरीब ओ माध्यमिक परिवारर व्यक्ति एथिरे उपकृत हेबे। जोगाजोग व्यवस्था पई व्यापक अर्थ खर्च करा जाउछि। भलो रास्ता, ट्रेन, सस्ता विमान यात्रा मध्यमवित्तक लाभ दउछि। देशक आगक नेबाकु आमे पूरा ताकतरे लागिछु बोलि पीएम मोदी कहिछन्ति। नूतन वर्षरे ओडिशाकु 4500 कोटी टंका प्रकल्पर उपहार दिया जाइछि बोलि मोदी कहिछन्ति। विकास के जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ जमीन पर उतर रहे हैं वो भविष्य में ओडिशा को विकास के नए आसमान पर पहुंचाने में सक्षम है। यहाँ की धरोहरों के विकास और कनेक्टिविटी सुधारने से यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाएं तैयार हो रही है। अब इस गति को, इस स्पीड को हमें बनाए रखना है। नए ओडिशा, नए भारत के लिए हमें मिलकर साथ चलना है। मोदी कहिछन्ति जे केंद्र सरकार जातीय स्तर रो अनेक प्रकल्पर शुभारंभ ओडिशा रे करछन्ति।
ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସହିତ ଦେଶବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ଭାରତର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୋଲି ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 215 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ନୂଆ 520 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୋଏଡ଼ା ରାଜାମୁଣ୍ଡା ଭାଗକୁ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ନୂତନ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସିଙ୍ଗ୍ରା ବିଞ୍ଜାବାହାଲ ଭାଗକୁ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ 4 ବାଇପାସ୍, 3 ଫ୍ଲାଇଓଭର, 11 ବାହନ ଅଣ୍ଡରପାସ୍, 12 ବୃହତ ସେତୁ, 50 ସାଧାରଣ ସେତୁ ଏବଂ 34 କିଲୋମିଟର ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ରହିଛି। ଇସି ସୋଚ କେ ସାଥ ଓଡ଼ିଶା କି ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ପୁରୀ ଓର କୋଣାର୍କ ଜୈସେ ଆସ୍ଥା କେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶ ମେଁ संरक्षित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रसिकारे मंदिर और हरिपुर गढ़ के पुराना किला को संरक्षण और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ ओडिशा के लिए सड़क, रेल, गैस सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की हजारों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बारीपदाठारे से बालेश्वर हलदिया दुर्गापुर सेक्शन एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्प एवं बालेश्वर बहुमुखी लॉजिस्टिक पार्क लोकार्पण करिसेंदी प्रधानमंत्री मोदी। करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी बालेश्वर हल्दिया दुर्गापुर की एलपीजी गैस पाइपलाइन से हर घर को धुआं मुक्त करने के हमारे प्रयास को और बल मिलेगा। इसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 8 जिलों के लाखों परिवारों को लाभ होगा। आपको मुझे ये जानकारी देते हुए भी खुशी हो रही है, उज्ज्वला योजना के तहत 32 महीने में देश भर में 6 करोड़ कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। उसमें भी अहम बात यह है कि 6 करोड़वां कनेक्शन जिस बहन को मिला उसका नाम जस्मीना खातून है। ये दिखाता है कि किस प्रकार समाज के हर वर्ग तक इस योजना का लाभ पहुंचा है। यहाँ व्यतीत हरिपुर गढ़ ठार ऐतिहासिक दुर्ग रसिकराय मंदिर विकास और संरक्षण कार्य शुभारंभ कर राज्यर आस्का, भद्रक, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर और केन्दुझर स्थित 6 पासपोर्ट सेवा केन्द्र उद्घाटन करने विभिन्न जातीय राजपथ प्रकल्प प्रशस्तिकरण कार्यक्रम शिलान्यास कर पीएम मोदी। टाटानगर बादाम पहाड़ मध्य द्वितीय पैसेंजर ट्रेन चलाचल को प्रधानमंत्री सबुज पताका देखा शुभारंभ कर पूर्व प्रधानमंत्री झारखंड गस्तर जा सेठे से उत्तर कोएल मंडल डैम प्रकल्प पुनरुद्धार और कहरस्टोन पाइपलाइन जलसेचन प्रकल्प आधारशिला रखिदे प्रधानमंत्री। यहसह प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन 25,000 हिताधिकारी इ गृह प्रवेश कार्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया उद्घाटन कर केंद्र सरकार ओडिशा के संतुलित और समग्र विकास के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रही। यहां युवाओं की पढ़ाई हो या फिर रोजगार, हर स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट का लोकार्पण, उद्घाटन या शिलान्यास यहां हुआ है, उससे सबका साथ सबका विकास की हमारी सोच और मजबूत होती है। पुणी आसुचंदी मोदी, तेबे देखिबार कथा पुणी केते टंकार संभार नै आसुचंदी आ विकास को केते सहज करछंदी। वर्तमान पे स्वतंत्र उपस्थापना एतिकि, अधिक जानिबे लॉगिन करंतु odishamobiletv.com। नमस्कार। समृद्ध संस्कृति ओ ऐतिहरे परिपूर्ण पूर्व भारतर एक सुंदर राज्य ओडिशा, एहार सांस्कृतिक ओ आर्थिक विकास हेब आहुरी त्वरान्वित। वैष्णव संप्रदायर स्वर्णिम समय निर्मित मयूरभंज रसिकराय मंदिर तथा पुरातन हरिपुर दुर्गर प्रत्नतात्विक खनन में मिलता ढांचार नवीकरण और मरामति कार्यर शुभारंभ। तीन कोटी जातीय राजमार्ग शिलान्यास जहां विकास को देव गति। यहसह बालेश्वर हलदिया दुर्गापुर पाइपलाइन द्वारा त्वरित होब राज्य को पेट्रोलियम जोगाण।
चिलिकतारा सगड़पटा और नरणपुर बसंतपुर रेलपथर दोहरीकरण और टाटा नगर बादाम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन चलाचल हेबो आरंभ जहां जोगाजोग को करिब सहज एहासह बालेश्वर मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क रप्तानी और आमदानी को सुविधा करिब छटी स्थान में डाकघरे पासपोर्ट सेवार हेबो शुभारंभ राज्यर प्रगतिर एहि उपहार को राष्ट्र उद्देश्य समर्पित करिवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनवरी 5 तारिखर आसंतु स्वागत करिबा पूर्वोदय नुआ भारतर उदय को।